हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 में एक्सरसाइज 5.3 हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले आपको बताया था एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेशन। तो इन पर बेस्ड क्वेश्चंस हम करते हैं। फाइंड dy बाई dx इन द फॉलोइंग। तो एक्सरसाइज 5.3 में क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई dx हमें निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। फर्स्ट वन, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो स्टूडेंट्स, यहां से dy बाई dx हमें फाइंड आउट करना है। तो dy बाई dx, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट 2x का डेरिवेशन आ गया है 2, 3 एज इट इज, y का डेरिवेशन dy बाई dx इज इक्वल टू साइन x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x। 1 बाई 1 हर एक टर्म का डेरिवेशन करेंगे, 2x का 2 आ गया, 3 एज इट इज, y का dy बाई dx और साइन x का आ गया cos x। अब यहां से हमें dy बाई dx निकालना है, तो cos x ऑलरेडी है वहां पर, 2 को ट्रांसफर करेंगे माइनस 2, और यहां पर था 3 टाइम्स ऑफ dy by dx। तो dy by dx इज इक्वल टू cos x माइनस 2 अपॉन 3। तो ये हमारा dy by dx आ गया। इफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू sin x, तो सीधा डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, 2x का 2, 3 as it is, y का dy by dx और sin x का differentiation हो गया cos x। तो 2 को transfer करेंगे, cos x minus 2 यहां रह जाएगा, 3 times of dy by dx। अब 3 को इधर transfer करेंगे, तो dy by dx is equal to cos x minus 2 upon 3। Next, 2x plus 3y is equal to sin y, 2x plus 3y is equal to sin y, second sum, 2x plus 3y is equal to sin y। तो students, same procedure है, तो बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, differentiate with respect to x, we get 2x का 2 आ गया, 3 as it is, अब y का डेरिवेशन करेंगे, तो y का डिफरेंशिएशन dy by dx आ गया, इज इक्वल टू sin y का cos y, अब y का भी होगा dy by dx, sin y का डिफरेंशिएशन cos y आ गया, और फिर करेंगे y का हो जाएगा dy by dx। अब यहां से dy by dx हमें निकालना है, तो dy by dx वाली टर्म्स करेंगे एक साइड, तो 3 dy by dx इसको इस तरफ ले आते हैं, माइनस cos y dy by dx इज इक्वल टू 2 को इस तरफ भेज देते हैं, देन इट इज माइनस 2। तो dy by dx आ गया कॉमन, यहां बचेगा 3, यहां माइनस का cos y is equal to minus 2, तो dy by dx is equal to minus 2 upon 3 minus cos y, ये इसके upon में आ जाएगा, हम minus common ले सकते हैं यहां से, minus 2 as it is, minus common लिया, तो 3 minus cos y का हो गया cos y minus 3, minus से minus cancel, then it is 2 upon cos y minus 3, तो it is dy by dx, इस टाइप से करना है। Now question number 4 ट्राई करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू
10x plus y is equal to 10x plus y, then differentiate with respect to x, we get, अब यहां पर x, y, ये दो फंक्शन है, x मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, तो यहां पे अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल, x इंटू वाई, यानी फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाई सेकेंड फंक्शन लिखा हुआ है, तो ये होगा प्रोडक्ट रूल से, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेशन ऑफ सेकेंड यानी y का डेरिवेशन, dy by dx प्लस y एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी x का हो गया 1, तो ये डिफरेंशिएशन आया बेटा x y का, x y यानी फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट प्लस, अब करेंगे y स्क्वायर का, तो y स्क्वायर का 2y आ गया, अब करेंगे y का, इट इज dy by dx is equal to 10x का डिफरेंशिएशन sec square x प्लस, अब करेंगे y का, तो y का डिफरेंशिएशन आ गया dy by dx, ऐसे हमें स्टेप बाय स्टेप करना है, x y ये दो फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल से करेंगे, इन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेशन ऑफ सेकंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट प्लस y स्क्वायर का 2y, फिर y का dy by dx इज इक्वल टू 10x का sec स्क्वायर x और फिर y का dy by dx, देखो हमें निकालना था बेटा dy by dx, तो dy by dx वाली टर्म्स करेंगे एक तरफ, तो x into dy by dx प्लस 2y into dy by dx, अब इसको इस तरफ ले आते हैं, तो माइनस dy by dx is equal to sec square x, अब यहां पर y बचा हुआ था, y को ट्रांसफर किया, then it is minus of y, अब dy by dx लिया कॉमन, x यहां बचेगा, प्लस 2y यहां बचेगा, और ये कॉमन लिया पूरा, तो यहां बचेगा minus 1, is equal to sec square x minus y, तो हमें dy by dx निकालना था, तो dy by dx is equal to sec square x minus y upon x plus 2y minus 1, ये उस तरफ चला जाएगा, तो upon में आ गया, तो it is dy by dx, तो इस टाइप से हमें करने हैं, तो 1, 2, 8 सारे इसी टाइप से हम कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर और 8 तक सभी में डायरेक्ट हमें डिफरेंशिएट करना है, क्वेश्चन नंबर 9 में y इज इक्वल टू दे रखा है साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, तो स्टूडेंट्स यहां पर हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन, यानी x को सब्स्टिट्यूट करना है किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, तो यहां पर साइन इनवर्स लिखा हुआ है, तो यहां पर साइन का फॉर्मूला बनना चाहिए, तो यदि हम x की वैल्यू tan थीटा रख लेते हैं, यदि हम x की वैल्यू tan थीटा रखें, तो ये हो गया 2 tan थीटा अपॉन 1 plus tan square थीटा, यदि हम x को रिप्लेस कर लें tan थीटा से, तो ब्रैकेट में क्या जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 plus tan square थीटा, और बेटा ये फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का, तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 plus tan square थीटा,
तो इसका यूज हम कर सकते हैं। तो पुट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, तो इसके लिए आप मान लीजिए ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले क्वेश्चंस हैं सेकंड चैप्टर की। इसके लिए आप 11th एनसीईआरटी में थर्ड चैप्टर हमने किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसके सारी आइडेंटिटीज यानी सारे फॉर्मूले हमारे अच्छी तरह याद हैं, तो इन्हें हम वेरी इजीली कर सकते हैं। पुट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, तो यहाँ से फिर थीटा कितना हो जाएगा, टेन इस तरफ आया, इट इज टेन इनवर्स एक्स। यदि हम एक्स की वैल्यू टेन थीटा मानते हैं तो थीटा कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स के इक्वल आ जाएगा। यदि हम एक्स को मान लेते हैं टेन थीटा, तो थीटा हो गया टेन इनवर्स एक्स। तो वाई इज इक्वल टू क्या आया, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, इट इज साइन इनवर्स, इट इज साइन टू थीटा। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन टू थीटा, तो ये हमारे पास आ गया बेटा टू थीटा, टू एज इट इज। थीटा क्या था, टेन इनवर्स एक्स, ये हमारे पास वाई आ गया, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो वाई का हो गया डी वाई बाई डी एक्स, टू एज इट इज टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, देन इट इज टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वेरी इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू पुट करेंगे टेन थीटा, तो थीटा हो गया टेन इनवर्स एक्स, और यहाँ आ गया टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा का, तो यहाँ पर रह गया टू थीटा, और थीटा था यहाँ से टेन इनवर्स एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू एज इट इज टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आया, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। देन क्वेश्चन नंबर टेन, इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, वाई इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, वाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 3x माइनस x क्यूब, वाई इज इक्वल टू 10 inverse of 3x minus x cube upon 1 minus 3x square। बेटा इसका डिफरेंशिएशन हमें निकालना है, तो 10 inverse of 3x minus x cube upon 1 minus 3x square लिख रहा है। तो यदि हम x की वैल्यू 10 थीटा रखें, x की वैल्यू 10 थीटा, तो ये हो जाएगा 310 थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 310 स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है 10 3 थीटा का, पुट x इज इक्वल टू 10 थीटा, तो यदि हम x को 10 थीटा लेते हैं तो थीटा कितना आ जाएगा, यहाँ से थीटा आ गया 10 इनवर्स x के इक्वल, 10 को इस तरफ ले आए तो 10 इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो y इज इक्वल टू था 10 इनवर्स 3 10 थीटा, x की वैल्यू 10 थीटा हमने ली, x क्यूब यानी 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 310 स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 310 थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 310 स्क्वायर थीटा। तो 10 इनवर्स एज इट इज 10 3 थीटा, तो हमारे पास बचेगा 3 थीटा।
y is equal to 3, theta means tan inverse x. Now differentiate with respect to x, we get तो y का डिफरेंशिएशन हो गया dy by dx 3 as it is tan inverse x का 1 upon 1 plus x square, तो बेटा ये हो गया 3 upon 1 plus x square, it is dy by dx. क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं इसके बाद. y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, y is equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. Put x is equal to tan theta. तो theta क्या आ जाएगा? Tan inverse x के equal. तो theta कितना आ जाएगा यहाँ से? Theta is equal to tan inverse x. तो y is equal to cos inverse 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. So cos inverse, it is cos 2 theta. It is cos 2 theta. So cos inverse of cos 2 theta. So yahan se aaya 2 theta hamare paas. 2 as it is, theta ki value tan inverse x. तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट तो y का हो गया dy by dx 2 as it is, tan inverse x का डेरिवेशन 1 upon 1 plus x square, it is 2 upon 1 plus x square, तो ये आ गया dy by dx. If y is equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. Now question number 15, last one. Y is equal to sec inverse 1 upon 2x square minus 1. Put x is equal to cos theta. Put x is equal to cos theta, तो theta आ जाएगा cos inverse x के equal. Then y is equal to sec inverse 1 upon 2 cos square theta minus 1. 2 as it is, x को हमने माना था cos theta, तो it is cos square theta minus 1. Then sec inverse 1 upon 2 cos square theta minus 1. तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला होता है cos 2 theta का. cos 2 theta is equal to 2 cos square theta minus 1, या फिर होता है 1 minus 2 sin square theta. अब sec inverse cos 2 theta को ऊपर ले जाते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल आ गया sec of 2 theta. तो sec inverse of sec 2 theta, तो it remains 2 theta here. तो 2 as it is, theta means cos inverse x, ये y के equal आया. तो differentiate with respect to x, we get तो y का हो गया dy by dx 2 as it is cos inverse x का minus 1 upon under root of 1 minus x square, then it is minus 2 upon under root of 1 minus x square, it is dy by dx. If y is equal to
sec inverse 1 upon 2x square minus 1।